फिल्म सनक के विलेन चंदन रॉय सन्याल के करियर को चमकाने में ओटीटी का कितना बड़ा रोल रहा? चंदन की ओटीटी दुनिया में सम ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस कौन सी है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडिया में ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स ने सिनेमा देखने के एक्सपीरियंस को काफ़ी बदल दिया है। इसकी ब्लूमिंग की वजह से ऑडियंस के तो वारे न्यारे हो गए हैं, लेकिन साथ ही में कुछ अंडररेटेड एक्टर्स के करियर में भी ये बहुत बड़ी उम्मीद की किरण लेकर आया है। ओटीटी का हिस्सा होने के लिए ना ही आपको चाहिए बॉलीवुड में कनेक्शन और ना ही आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट। अगर एक्टर में एक्टिंग की भूख है तो निश्चित ही ओटीटी इन्हें बिना किसी झिझक के एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर ही देगा। काफी सारे बडिंग आर्टिस्ट को ओटीटी ने शाइन करने का मौका दिया है, तो साथ ही कुछ अंडररेटेड एक्टर्स को भी स्टार बना दिया है। और आज ऐसे ही एक अंडररेटेड एक्टर की हम बात करने जा रहे हैं, जिसे ओटीटी ने मिडिल फ्रेम पे आने का चांस दिया और बाकी अब इतिहास ही है। हम बात कर रहे हैं सनक फिल्म के एक विलेन का रोल निभाने जा रहे चंदन रॉय सन्याल की। तो आखिर किस तरह ओटीटी ने थामी इनके करियर की भागदौड़, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीग्रास स्टूडियोज की इस खास पेशकश में। चंदन भाई हार्ट तो हमेशा से ही एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, लेकिन कमर्शियल बॉलीवुड में इन्होंने डेब्यू किया था रंग दे बसंती से, लेकिन बिग ब्रेक साबित हुई विशाल भारद्वाज की फिल्म कमीने। उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। इन्होंने साथ ही साथ बंगाली सिनेमा और थिएटर में भी अपनी ढाक जमा के रखी और सिर्फ तलाश ही बड़े प्रोजेक्ट की करी। और ये मौका इन्हें दिया ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम ने। इस सीरीज से बॉबी देओल अपना कमबैक कर रहे हैं और साथ ही साथ चंदन सीरीज में बने हैं कौन बाबा भोपा स्वामी। इस कैरेक्टर से चंदन को इतनी रिकॉग्निशन मिली कि अब तो इनके पास अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है। जैसा कि हर एक एक्टर को एक ब्रेक थ्रू कैरेक्टर की बेहद ज़रूरत होती है, इसके बाद उसके कैरेक्टर की गाड़ी बहुत ही फुल स्पीड से चलती है। तो चंदन के लिए आश्रम सीरीज ऐसा ही एक सेवियर बन गई है और जाहिर है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का इसमें काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। इसके बाद चंदन के पास कुछ बेहतरीन वेब शोज होने के साथ ही साथ सनक जैसी कमर्शियल फिल्म्स भी लाइंड अप है, और जिसकी सक्सेस से निश्चित ही हम इन्हें बॉलीवुड के और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते हुए देख पाएंगे। पर इससे पहले नज़र डालते हैं आश्रम के अलावा और भी ओटीटी प्रोजेक्ट्स पर जिन्होंने इनके करियर को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। इस लिस्ट में बारी आती है इनकी बंगाली सीरीज काली की, जिसमें इनके ग्रे शेडेड कैरेक्टर ने तो जैसे समा ही बांध के रख दिया था। इन्होंने इसमें एक अंडरवर्ल्ड डॉन का कैरेक्टर निभाया था जो कि कोई ग्लोरी पाने के चक्कर में है, लेकिन इस पैरालाइज्ड डेडली विलेन का कैरेक्टर चंदन ने बड़े ही सफल तरीके से किया। काली सीरीज हिंदी और बंगाली ऑडियंस में इमेंस पॉपुलैरिटी बना चुकी थी। आपको बता दें कि क्योंकि चंदन ऐसे प्रोजेक्ट साइन करने के लिए जाने जाते हैं जो कंसेप्ट पहले कभी ट्राई भी नहीं किया हो, इसलिए इस कमाल लिस्ट में जुड़ती है Z5 की सीरीज भ्रम। स्टोरी एक हॉरर थ्रिलर है जिसमें प्रोटैगनिस्ट को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, और इस ट्विस्टेड कहानी में चंदन एक कॉप का रोल निभा रहे हैं जिसके खुद के करेक्टर में काफ़ी सारी लेयर्स छुपी हुई हैं। परफेक्ट थ्रिलर वाली ये वेब सीरीज ऑडियंस को सीट से चिपकाए रखने में काफ़ी ज़्यादा सफल साबित हुई थी। और इसी के साथ वीडियो भी हमारी होती है कंप्लीट। जाते जाते चंदन रॉय सन्याल के कैरेक्टर्स में से आपका कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा फेवरेट है हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पॉलीग्रास स्टूडियोज़ को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खत्म करते हैं आज की ये वीडियो। आज के स्क्रिप्ट राइटर हैं पंकज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।